हम लोग गुजराती में पोयम नंबर 5 शुरू करें, जो पोयम का नाम है तू तारा दिल नो दीवो। तू तारा दिल नो दीवो जिनके कवि हैं बोगीलाल गांधी। बोगीलाल गांधी के जो हमारे गुजरात के मोड़ासा के अरवली के पास में आए, वो मोड़ासा के एक बहुत बड़े कवि हैं, मोड़ासा गांव के, कि जिन्होंने बहुत सारी पोयम्स, निबंध, नॉवेल्स और न जाने बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। और उनकी एक फेमस पोयम में से ये एक पोयम दी गई है जिसका नाम है तू तारा दिल नो दीवो। इसका मतलब क्या, इस पोयम की सेंट्रल आइडिया क्या बताती है? ये कहते हैं कि हमें अगर सक्सेस हासिल करनी है, हमें अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें खुद का दिया खुद ही जलाना होगा। मीन्स खुद मेहनत करनी होगी, दूसरों पे डिपेंड रहना नहीं है। क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने से क्या होता है कि दूसरों पे डिपेंड रहने से हम लोग हमेशा डिपेंडेंट बन जाते हैं। सही बात है ना, हम लोग हमेशा डिपेंडेंट बन जाते हैं। फिर जब सामने वाला कोई काम करे तो हम करेंगे, नहीं तो हम खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। सामने वाला कुछ करे कि हाँ भाई तुम्हें ऐसे करना है तो हम करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब उसमें फिर अपनी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं रही, हम खुद अपनी मेहनत से फिर कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए कवि इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि भाई जो भी हो ना, खुद हमें खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, दूसरों से नहीं। क्योंकि दूसरे हमारी मदद कब तक करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार मदद करके कभी ना कभी तो वो हमसे दूर चले ही जाएंगे। फिर तो वो चले ही जाएंगे ना, छोड़ देंगे हमें। तो फिर इससे अच्छा अगर हम खुद अपनी मदद करें, खुद अपना काम करें, तो फिर कोई भी हमें दूर नहीं कर पाएगा या कोई भी हमें कुछ कह नहीं पाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा ना। अगर कोई साथ ना भी दे तो पता है हमें कि हमें खुद काम करना आता है, भले कोई साथ ना दे। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं तू तारा दिल नो दीवो। और उसके साथ दूसरी बहुत अच्छी बात है ये बताते हैं, समझना है इसमें। जैसे कहते हैं कि तू तारा दिल नो दीवो थाने ओरे ओरे ओ भाया, है ना, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि तू तारा दिल नो दीवो थाने, कि तुम खुद अपने दिल का दिया बनो, कि खुद अपना दिया खुद जलाओ। रखे कदी तू छीना ले तो पार का तेज ने छाया। रखे कदी मतलब कभी भी तू ऊँची ना ले तो पार का तेज ने छाया, मतलब कभी तुम ऊँची ना मतलब उधार लेना, पार का तेज ने छाया, तेज मतलब रोशनी, छाया मतलब छाँव, कि तुम दूसरे कभी किसी से कोई रोशनी, कोई छाँव मांगना मत। यहाँ रोशनी और छाँव का मतलब क्या, कि भाई कोई भी मदद मत मांगना, कि तुम कभी किसी दूसरे से कोई मदद मत मांगना। क्योंकि तीसरी लाइन में कहते हैं ना कि एरे ऊँची ना खूटी जैसे ने उड़ी जैसे परछाया। कहते हैं ऊँची ना खूटी जैसे, ऊँची ना जो तुम उधार लोगे ना वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा, ने उड़ी जैसे परछाया। उड़ी जैसे परछाया मतलब कि उनका साथ भी चला जाएगा। तो कभी ये पहले में यही कहते हैं हमें कि तुम्हें कभी दूसरे किसी से कोई मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे से ली हुई मदद वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी। अपनी खुद की मेहनत होगी ना तो कभी ख़त्म नहीं होगी। कि आज अगर हमें कोई साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है मुझे खुद मेहनत करना आता है, भले कोई साथ ना दे, मैं खुद अपनी मेहनत करूँगा, खुद आगे बढ़ूँगा। लेकिन जो दूसरों की मदद के आश्रय में रहता है ना, तो सामने वाला कहेगा कि जब कोई काम अर्जेंट करना हो ना तो हम लोग हमेशा दूसरों पर अगर डिपेंड रहते हो, ऐसी हमारी आदत हो, तो फिर सामने वाला कहेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल करते हैं। तो फिर वो कल करते हुए हमारा समय निकल जाएगा, कि अगर हम दूसरों पे डिपेंड रहे तो। लेकिन अगर हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं है तो हमारी मन इच्छा हुई कि मुझे आज ही काम करना है तो आज ही काम करेंगे, हम किसी पे डिपेंड थोड़ी रहते हैं। सही बात है कि नहीं? इसीलिए ये ध्यान रखो कि भाई हमेशा खुद पे डिपेंड रहो, कभी कोई दूसरे पे, कोई चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहो मत। कहते हैं ना कभी दूसरों की दी हुई चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ऊँची ना खूटी जैसे, दूसरे की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी ना उड़ी जैसे परछाया। उड़ी जैसे परछाया मतलब कि उनका साथ भी हमसे दूर हो जाएगा। आज का ज़माना तो ऐसा ही है,
कि कभी किसी से जो है वो अगर मदद की मांग करो तो एक बार वो मदद करेगा, दूसरी बार वो मदद करेगा, और तीसरी बार तो वो भी हाथ ऊपर करेगा कि बस भाई अभी जो है वो तुम खुद करो। सही बात कि नहीं? आपने ही कितनी बार एक्सपीरियंस किया होगा, किसी से मदद मांगो एक बार दो बार हाँ कहेगा, तीसरी बार तो वो भी मना करेगा कि नहीं भाई अब जो है वो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद करो अपना काम। इसलिए कभी दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो आगे क्या कहते हैं, दूसरे पैराग्राफ में वो कहते हैं, कहते हैं कोड़ियों तारू काची माटी नो तेल दिवेल छुपाया, नानी सी सड़ी अड़ी न अड़ी प्रगट से रंग माया। देखो बहुत सुंदर लाइन ये लिखी हुई है दोनों। क्या कहते हैं, जैसे कि अब जैसे मैंने बताया कि भाई अगर कवि कह रहे हैं कि भाई खुद पे डिपेंड रहो, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड मत रहो, खुद अपना काम करो। लेकिन खुद अपना काम कैसे करें? फिर आप लोगों के मन में आता है कि नहीं यार मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास तो इतना टैलेंट नहीं है, मैं तो यार ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। लोगों के मन में होती है ना ये नेगेटिविटी, बरोबर। फिर हमेशा वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई वो साथ देगा तो ही मैं तो काम कर पाऊँगा, बाकी तो मुझसे काम नहीं होगा, मैं मुझ में इतना टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। कहते हैं कि नहीं ऐसा? लेकिन कभी इसे गलत मानते हैं कि कभी भी खुद के लिए ऐसा मत कहो, कभी भी खुद के लिए ऐसा मत कहो कि भाई मुझ में ये टैलेंट नहीं है, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है। कहते हैं हमारे अंदर, हर किसी के अंदर जो है वो असीम शक्तियां बसी हुई हैं, अनगिनत ताकत है हमारे पास। सिर्फ क्या फ़र्क है पता है? कि उस ताकत को बाहर निकालने का फ़र्क है। कुछ लोग वो ताकत बाहर निकाल पाते हैं, कुछ लोग वो ताकत बाहर नहीं निकाल पाते। हर किसी के अंदर, आपके अंदर भी बहुत सारी ताकत है, अनगिनत ताकत है। फ़र्क है कि सिर्फ आपको वो ताकत बाहर निकालना सीखना है। इसके लिए ही ये एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, कोड़ियों तारू काची माटी नो। कोड़ियों, कोड़ियों किसे कहते हैं कि जिसमें वो दिया जलाया जाता है ना, बरोबर ना, वो छोटा सा दिया, मिट्टी का दिया जैसे, वो कोड़ियों। तो कहते हैं कोड़ियों तारू काची माटी नो, कि भाई तुम्हारा जो दिया है ना वो कच्ची मिट्टी का है। कच्ची मिट्टी का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि भाई कच्ची मिट्टी जैसे होती है ना, उसको जो शेप दो वैसा शेप बन जाएगा। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी, आपका मन, आपका शरीर, वो भी एक कच्ची मिट्टी जैसा है। आप जैसा उसे बनाओगे वो वैसा बनेगा। यार ये बात समझ में? आप जैसा उसे बनाओगे वो वैसा बनेगा, ध्यान से सुनना। आप अगर ये कहोगे, हमेशा अगर ये कहते रहोगे कि मैं मुझसे तो कोई काम नहीं होगा, मेरे में ये ताकत नहीं है, तो फिर आपका शरीर, आपका मन वैसा ही बनेगा, इवन आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बनाओगे और ऐसे कहोगे कि नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में ये ताकत है, मुझ में कैपेसिटी है, मैं सब कर सकता हूँ, तो जो न करने जैसी चीज़ें होगी ना वो भी आपसे हो जाएगी, बिल्कुल वो ताकत आपके अंदर पैदा होगी। सिर्फ फ़र्क क्या है पता है? आपकी सोच का, कि आपकी सोच एक कच्ची मिट्टी जैसी होती है, जिसको जिसको आप जैसा बनाओ वो वैसा बनेगी। और आपकी सोच पर से ही फिर आपकी पूरी दुनिया बन जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि भाई मैं जैसा चाहूँ वैसा बन सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझ में पूरी ताकत है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं जितनी चाहे उतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बनेगी। लेकिन अगर आप लोग ने ऐसे मान लिया कि नहीं भाई मुझसे तो नहीं होने वाला है, जब तक दूसरा आकर मुझे सिखाएगा नहीं, जब तक दूसरा आकर मुझसे कुछ बोलेगा नहीं, तब तक मुझसे नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे दूसरों पे डिपेंड मत रहो। आपका खुद का मन वो कच्ची मिट्टी जैसा है कि जिसको आप जैसा बनाओगे वो वैसा बनेगा, बरोबर। तो देखो ये सेकेंड लाइन में जैसे कह रहे हैं कि कोड़ियों तारू काची माटी नो तेल दिवेल छुपाया, कि तुम्हारा मन कच्ची मिट्टी की तरह है, ने तेल दिवेल छुपाया, कि तुम्हारे अंदर ही तेल और दिवेल वो छुपे हुए हैं। मतलब कि एक दिया चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, दिया जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, तेल चाहिए, या फिर जो है वो दिवेल, फिर वो कॉटन चाहिए होता है, जो दिया चाहिए वो कॉटन चाहिए जिसे आप जला सको, ये चीज़ें चाहिए ना, बराबर। तो जो पोएम का नाम ही है ना तू तारा दिल नो दीवो, कि अपना दिया खुद जलाओ,
कोई चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहो तो क्या वो दिया बने कैसे। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही सब चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद वो दिया बना हुआ है, मतलब कि तुम्हारे अंदर खुद वो पूरी ताकत भरी हुई है, आपको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को पता है हमारी सोच, हमारी जो नेगेटिविटी है हमें दूर करती है। आप इमेजिन करो कि कोई एक पर्सन ऐसा होता है कि जिसको यहाँ से खाली 1 किलोमीटर भी दौड़ने के लिए कहो तो वो हाँफ जाता है, बरबर ना, वो हाँफ जाता है, वो दौड़ नहीं पाता, खुद ही कहेगा कि यार इतना कौन दौड़े। सही बात, क्यों ऐसा? क्योंकि उसने खुद को कमज़ोर मान लिया है, या इनके हिसाब से कहो तो उन्होंने खुद के अंदर का दिया बुझा दिया है। सही बात, लेकिन उसी के सामने कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रनर होते हैं, सही बात, जो दौड़ने वाले होते हैं कि उनको 1 किलोमीटर का 8 किलोमीटर भी बोल दो तो भी वो तेज़ी से बिना थके दौड़ जाते हैं। तो क्या वो इंसान नहीं है? वो कोई एलियन थोड़ी है कि जो बाहर से आए हुए हैं और उनके पास अलग सी ताकत है, कि वो अलग से काजू बादाम खाते हैं तो इसलिए उनको ताकत आती है। वो भी आपकी तरह ही है। फ़र्क क्या होता है कि उन्होंने खुद को मजबूत बनाया है, इस पोयम के हिसाब से उन्होंने खुद अपना दिया जलाया है, जबकि हम बस दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हम बस थके हुए रहते हैं और खुद को जो है वो पीछे कर लेते हैं। हम लोग जो है वो बस टीवी से, मोबाइल से, खेलने से, इनसे बाहर नहीं आते कि हाँ भाई ये तो चलता रहता है, छोड़ो हमें ये सब नहीं करना। अगर नहीं करना है तो फिर हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही रहेगी। सही बात है ना, यही तो फ़र्क है कि कोई इंसान जो है वो इन चीज़ों को छोड़कर और ख़ुद को इतना मजबूत बना लेता है कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती, जबकि खुद कोई जो है वो खुद को इतना कमज़ोर बना लेता है कि उसे कुछ भी कर लो ना वो खुद को आगे नहीं बढ़ाएगा। बरोबर, तो इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर तेल दीवेल, मतलब आपके अंदर पूरी ताकत है, कोई आपको बाहर से ताकत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है। जो आगे कहता है कि नानी सी सड़ी अड़ी न अड़ी प्रगट से रंग माया, कहते हैं ना हमारे अंदर जो वो तेल दिवेल सब छुपे हुए हैं। नानी सी सड़ी अड़ी न अड़ी, नानी सी सड़ी, सड़ी मतलब जो मैचस्टिक कहते हैं, माचिस की तीली जैसे कहते हैं, जरा सी माचिस की तीली लगी न लगी कि फिर प्रगट से रंग माया। प्रगट से रंग माया मतलब कि फिर वो जोश दिखेगा, फिर वो रोशनी दिखेगी। वो तेल का दिया कैसा होता है कि भाई अभी तक भाई पहले तो वो बुझा हुआ हो तो कुछ भी नहीं, लेकिन जरा सी उसे जो है वो ये तीली दिखा दो कि भाई जट से जल उठेगा और आसपास सबको रोशनी देगा। तो हमारे अंदर भी वो दिया छुपा हुआ है, बस छोटी सी एक तीली लगाने की ज़रूरत है, माचिस की एक तीली की ज़रूरत है कि जरा सी रोशनी मिली, कि जरा सी जो है वो ये एक रोशनी हमारे अंदर मिली, एक तीली मिली तो फिर हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वह चमक उठेगी। ये छोटी सी तीली वो क्या होता है पता है, कि हमारे अंदर की एक बड़ी इच्छा, एक बहुत बड़ी इच्छा कि आपको करना क्या है। अरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा ज़रूरी क्या होता है पता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वो चीज़ है आपका लक्ष्य, आपका गोल। इस पोएम में कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं, सब इनडायरेक्टली दिया हुआ है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा गोल, हमारा लक्ष्य होता है कि आपको जीवन में क्या करना है। कभी आपने खुद सोचा है, कभी सोचा है खुद कि भाई मुझे क्या करना है जीवन में, क्या बनना है? सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग ही नहीं होती, बरबर ना, दूसरी भी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, लाखों चीज़ें करने के लिए हैं, आपको क्या करना है वो कभी आपने सोचा? तो एक बार उसे सोचो कि मुझे क्या करना है, बहुत बड़ा सोचो कि भाई मुझे जो है वो ये बनना है, और फिर उसके लिए अपनी जी जान लगा दो, उसके बाद फिर अपने अंदर का दिया जलाओ, उसके बाद फिर अपने अंदर की वो रोशनी जगाओ, फिर देखो आपके अंदर ऐसी ताकत आएगी कि पूरी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी, कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। एक बार सोचो तो सही कि आपको क्या बनना है, खुद ब खुद फिर जो है वह ज़िंदगी बदलेगी। सही बात है ना, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर सब ताकत छुपी हुई है, बस एक माचिस की तीली की ज़रूरत है, वैसे ही एक जोश की जरूर है, एक लक्ष्य की जरूर है कि हमें कुछ मिल जाए ना। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं तो अगर आपको शुरुआत करनी हो ना तो ये शुरुआत करो कि इस साल इस स्टैंडर्ड में, ये 9th स्टैंडर्ड में मुझे जो है वो 90% लाने, 95% लाने। एक लक्ष्य होगा ना, एक गोल होगा ना, तो आपको पढ़ाई करने में भी मजा आएगा,
कि नहीं मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं ना, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं ये काम करूँगा। सही बात है कि नहीं? तो बस उसकी तरह जो है वो ये काम करो, फिर देखो एक छोटा सा जोश आपके अंदर मिल गया तो फिर आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। फिर आपको कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद काम करने लग जाओगे। और ऐसे ही आखिरी लाइन में ये कहते हैं, फिर से यही बात समझाते हुए कहते हैं आप माँ सूरज चंद्र ने तारा मोटा मोटा तेज राया, आत्मनो तारो दीवो पेटा हुआ तो वीण सर्व पर आया। क्या कहते हैं कि आप माँ सूरज चंद्र ने तारा मोटा मोटा तेज राया, कहते हैं कि भाई आसमान में जो है वो सूरज चांद तारे कितने सारे जो है वो तेज राया, तेज राया मतलब कि रोशनी से भरपूर चीज़ें हैं, कि आपको एनर्जी देने के लिए, आपको रोशनी देने के लिए आसमान में सूरज चांद तारे सब कुछ आए हुए हैं। लेकिन आत्मनो तारो दीवो पेटा हुआ तू वीण सर्व पर आया। आत्मनो तारो दीवो पेटा हुआ मतलब तुम्हारे अंदर का दिया जलाने के लिए तू वीण मतलब तुम्हारे बिना सर्व पर आया, सब कोई पर आए हैं। मतलब क्या कि दुनिया में भले सूरज चांद तारे जैसे आसमान में कितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास जो है वो इतनी अनंत रोशनी है उनके पास, लेकिन अगर खुद का दिया जलाना हो ना, आपको अपने मन का दिया जलाना हो तो ये सूरज चांद तारे कोई काम नहीं आएंगे, वो दिया वो आपको खुद जलाना होगा। मतलब जो आपको लक्ष्य बनाना है, जो आपको अपने अंदर जोश लेके आना है, जो आपके अंदर का क्या कहते हैं कि भाई पूरा जुस्सा जो कहते हैं ना एक तरह की जो है वो पोटेंशियल बाहर निकालनी है, तो उसके लिए दूसरा कोई आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ आपको वो खुद पे ही डिपेंड होना होगा। कभी ऐसा होता है कि भाई धूप में जो है भाई एक घंटा खड़े रहो तो भाई मुझे जो है वो जोश मिल गया, मुझे तो रोशनी मिल गई, ऐसा होता है? नहीं, ये सूरज चांद तारे उनकी खुद की रोशनी है, वो कभी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं नहीं। तो वैसे ही हमें भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमारे खुद के सिवा बाकी सब पर आए हैं। इन चीज़ों के लिए हमें सिर्फ खुद पर ही डिपेंड रहना है और किसी पर नहीं। सही बात ना? खुद का दिया जलाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो आप लोग भी ये ध्यान दो कि अगर आपको कभी कुछ करना है तो कभी कोई चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहो। कभी किसी से मदद मांगना कि हाँ मेरे पास चीज़ ये नहीं है तो चलो भाई मैं दूसरों से ये चीज़ लेता हूँ, वो एक बात अलग होती है, लेकिन हमेशा सिर्फ दूसरों पर ही डिपेंड रहना कि जब तक वो ना करे तब तक मैं भी कुछ नहीं करूँगा, तो ये चीज़ वो बेवकूफ़ी कहलाती है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी भर पीछे रहोगे, कभी खुद को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। वो सामने वाला आपके सामने आगे बढ़ता ही जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसीलिए जो पोएम का नाम है कि तू तारा दिल नो दीवो, कि खुद अपनी मेहनत खुद करो, खुद पे डिपेंड रहो, कभी दूसरों पे डिपेंड मत रहो, बरोबर। तो आज जैसे गुजराती की हमने ये पोयम देखी ना, वैसे ही अब गुजराती की दूसरी पोयम्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।